अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हमारे पास जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यूनिट 14 का इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ, तो हमने पहले तो पावर डिस्कस की हुई है जो कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में सिर्फ स्पेसिफाइड थी कि जो कि 9th क्लास के अंदर भी आपने एनर्जी के चैप्टर के अंदर वर्क एनर्जी के चैप्टर में आपने डिस्कस कर लिया है कि आपके पास अगर सिंपल एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी की फॉर्म के अंदर आपके पास जो पावर होती है वो आपके पास जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है कि आपके पास वर्क जो है वो कितनी रेट पर किया जा रहा है। यू कैन से द रेट ऑफ डूइंग वर्क कि आपके पास एक सेकंड में कितना वर्क होगा वो एक्चुअली आपके पास पावर्स के टर्म के अंदर जो था वो काउंट किया जाता था। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जो पावर है उसकी कुछ डिफरेंट मीनिंग्स हैं। क्या आपके पास अगर इलेक्ट्रिक पावर अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपके पास कुछ डिफरेंट मेजर्स हैं जिसको नोटिस में लेकर आया जाता है। और जैसा कि इस चैप्टर के अंदर हमने रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बारे में भी देखा था कि अगर आप किसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो उस सर्किट के अंदर आपके पास वोल्टेज, करंट और आपके पास रेजिस्टेंस बहुत मैटर करती है और जिसकी बेस पर आपके पास पूरा सर्किट जो है वो एक कंप्लीट वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसी सारी वर्किंग को अगर हम नोटिस में रखें तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास जो ईएमएफ या जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो बैटरी जो है वो किसी भी चार्ज को प्रोवाइड करती है, एक्चुअली वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो वर्क करेगी कि एक्चुअली आपके पास जो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एनी चार्ज है कि एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अगर वो जाएगा तो आपके पास वो एक सेकंड में कितना वर्क करेगा या कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। जैसा कि हमने जाउल्स लॉ के कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये देखा था तो एक्चुअली द रेट ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। कि आपके पास जो इन टर्म्स ऑफ, अगर आपके पास सर्किट डिजाइन किया गया जिसमें आपने एक वोल्टेज प्रोवाइड किया एक बैटरी की फॉर्म में और उसमें से जो करंट पास कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से उसकी रेजिस्टेंस आर है, तो उस दौरान आपके पास जो चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव आउट करते हुए आपके पास कितनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा एक सेकंड के अंदर या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा एक्चुअली उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो चलते हैं इसकी जो आपके पास बुक में डेफिनेशन गिवन है, कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपके पास जो एक इलेक्ट्रिक करंट या एक चार्ज से आपके पास कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है आपको इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मीन टू से आपके पास जो टाइम का यूनिट है जो ऐसा यूनिट आपके पास सेकंड है, तो इट मींस ये जो टाइम की बात की जा रही है सेकंड के लिए की जा रही है। तो आपके पास एक सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाएगी उस करंट की मदद से, एक्चुअली उसको इलेक्ट्रिक पावर का नाम दिया जाता है। तो पावर यहाँ पर एक्चुअली सेम वही यूनिट रखती है जो कि आपके पास 9th क्लास के अंदर आपने जो पावर के बारे में पढ़ा था वो भी आपके पास एक्चुअली द रेट ऑफ डूइंग वर्क ही था। बट यहाँ पर आपके पास जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो किस कौन कर रहा है, वो आपके पास चार्जेस कर रहे हैं। क्या आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके आप दे रहे हैं एक्चुअली वो चार्जेस आपके पास एक सेकंड में कितना वर्क करेंगे एक्चुअली वो आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के टर्म्स में काउंट किया जाता है। तो ये आपके पास सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्म है पावर की जो कि एक बहुत एक क्या नाम है कह सकते बेसिक फॉर्म है पावर की, लेकिन इसकी मदद से अब हम आगे मजीद आपके पास पावर के फॉर्मूलास बनाएंगे जो कि आप देखेंगे कि जिसके अंदर हम वोल्टेजेस को, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व की जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास करंट भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि आपके पास जो है वो एक कंप्लीट सर्किट के अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस, उनके टाइम और उनकी करंट की मदद से अगर उन्हें पावर कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास किस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला अगर देखा है तो आपके पास सिंपल वर्क की बात की जा रही है, आपके पास टाइम की बात की जा रही है। तो जब कुछ सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ये सिचुएशन गिवन ना हो, जबकि आपके पास अगर डिफरेंट वेरिएशन सर्किट में मौजूद हैं जो कि करंट है, रेजिस्टेंस है या वोल्टेज है, उनकी टर्म में अगर हमने पावर कैलकुलेट करनी तो फिर क्या फॉर्मूला लेकर चलेंगे, तो उसके चलते हैं जरा। तो जैसा कि हमें पता है कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आपके पास जो वर्क है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी क्यू या यू कैन से क्यू वी। तो यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा कि आपके पास वर्क डन जो है अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो पावर आपके पास क्या बन जाएगी, क्यू वी ओवर टी, क्यू वी ओवर टी। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन चुका है पावर का अगर हमारे पास चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास गिवन हो और टाइम का भी हमारे पास पता हो कि वो कितने टाइम के अंदर फ्लो कर रहे हैं, सो इट मींस कि हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर अगर हम चलते हैं आगे, अगर आपके पास चार्जेस से हटकर अब प्रॉपर अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इट मींस कि वहां पे करंट का फैक्टर होना भी जरूरी है। तो फैक्टर को अगर करंट फैक्टर अगर हमें इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें कुछ नॉलेज पता होना चाहिए करंट के बारे में, जो कि क्या है कि करंट जो है वो आपके पास इक्वल होता है
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि आपके पास चार्जेस जो है वो किस रेट पर फ्लो कर रहे हैं। अगर आपने इस बारे में अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से लूज है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, तो ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है क्या चीज। तो आपके पास यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आपके पास टी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्यू किसके इक्वल आ जाएगा आई टी, क्यू आपके पास क्या आ जाएगा आई टी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास, हम अगर सब्स्टिट्यूशन करें क्यू की जगह अगर मैं आई टी लिख देता हूं तो मेरे पास डेरिवेशन किस तरह से ट्रेवल करेगी, तो वो आपके पास जो होगा पी इज इक्वल टू क्यू की जगह मैंने लिख दिया आई टी मल्टीप्लाई वी ओवर टी, तो टी से टी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर आपके पास कंप्लीटली प्योर फॉर्म में आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के। एक कंप्लीट आपके पास अगर सर्किट के अंदर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, उसके साथ साथ अगर आपके पास करंट की वैल्यू भी गिवन है, तो आप वहां से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दूसरे सर्कमस्टेंसेस की बात की जाए सिचुएशन में, तो हम यहां से पावर और करंट की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने फाइंड आउट करना, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पावर गिवन है, तो हम यहां से करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम फर्दर आगे बात करते हैं, तो अगर हम आगे चले फर्दर मजीद सब्सटीट्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, कि आपके पास V is equal to IR जो था हमारे पास एक ओम्स लॉ की इक्वेशन बनी थी, अगर हम वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ डिफरेंट फॉर्मूलास भी बन सकते हैं, जो कि आपके पास किस तरह से होंगे कि V is equal to IR, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ का। अगर हम ग्रीन फॉर्मूले को अगर हम आगे लेकर चले, तो अगर मैं यहाँ पर V की वैल्यू पुट आउट कर दूं, इसकी वैल्यू पुट करूं, V की वैल्यू मैं पुट करूं, तो I तो एज इज आएगा, जबकि V की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा आई आर, तो मेरे पास एक पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ये मैंने एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया फॉर द डिफरेंट सिचुएशन, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो करंट गिवन होगा, उसके साथ साथ हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अगर हमारे पास गिवन हो, तो हम कुछ इस फॉर्मूले की मदद से आपके पास जो है वो पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, या डिफरेंट अगर हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा इन द टर्म्स ऑफ करंट के बारे में, और अगर हमारे पास पावर गिवन है। तो फर्दर अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, तो इसी फॉर्मूले को अगर यूज किया जाए, तो आपके पास जो है आई किसके इक्वल हो जाएगा वी ओवर आर के, आई किसके इक्वल हो जाएगा वी ओवर आर के, तो मैं यहां पर अगर आई की वैल्यू पुट कर दूं पी इज इक्वल टू वी ओवर आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, तो आपके पास ये न्यू इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आपके पास बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर से एक आर आप कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास रिमेनिंग जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बन जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट कंडीशन के लिए फॉर्मूला डिजाइन हो चुका है, जिसके हम देख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस अगर हमें हमारे पास गिवन हो, तो हम वहां से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास इन सब सिचुएशन में आपके पास पावर का जो यूनिट होगा वो आपके पास क्या रहेगा, वॉट ही रहेगा, ठीक है। तो इस पूरी कंप्लीट सिचुएशन के अंदर हमने ये देखा है कि आपके पास पावर जो है वो किस तरह से डिफरेंट मल्टीपल इक्वेशंस के थ्रू फॉर्मूलास के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस, कि आपके पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है, तो फिर कैसे पावर कैलकुलेट की जाए, अगर आपके पास करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो फिर किस तरह से पावर आपके पास कैलकुलेट की जाए। इन द टर्म्स ऑफ अगर दूसरी बात की जाए, अगर आपके पास करंट और पोटेंशियल गिवन है, तो फिर हम पावर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास जो है वो किस तरह से पावर की मदद से दूसरी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाएगा, एक्चुअली उन फैक्टर्स को भी हमने डिस्कस किया है। तो आई होप सो आज आपको जो है इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।